सकती। जी सर, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर, प्रणाम। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज इस संगोष्ठी में जो आचार्य अभिनव गुप्त जयंती को समर्पित है, मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर सतीश कपूर जी हमारे मध्य जुड़ चुके हैं। मैं इस मंच पे उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संस्कृत एवं पाली विभाग पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला की ओर से, और विशेष स्वागत और अभिनंदन प्रोफेसर आशुतोष जी का, जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम होने जा रहा है। उनका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। और इसी के साथ प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी जोधपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, डॉक्टर सी के झा जी, प्रोफेसर राजेंद्र लहरी जी, और हमारे सहयोगी हिंदी विभाग से डॉक्टर नीतू कौशल जी, डॉक्टर रजनी जी, और सभी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। समता और कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए मैं प्रोफेसर आशुतोष जी से बिना किसी भूमिका के आग्रह करता हूं कि वो इस कार्यक्रम की प्रस्तावना भूमिका के रूप में दो शब्द अपने रखें, फिर तदुपरांत प्रोफेसर सतीश कपूर जी का व्याख्यान हम सभी सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र जी मुझे ये मौका देने के लिए। संस्कृत एवं पाली विभाग पंजाबी यूनिवर्सिटी का ये जो उद्यम है ये वाकई प्रशंसा के योग्य है, सराहनीय है कि उन्होंने आचार्य अभिनव गुप्त जो हैं उनको उसके बारे में एक चर्चा रखी है ताकि लोगों को उसके विषय में पता हो। और पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने जो कुछ योगदान दिया है साहित्य शास्त्र के संदर्भ में, साहित्य के संदर्भ में और दर्शन और योग के संदर्भ में। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन तीनों पक्षों से उन्होंने पूरे समाज को, भारतीय समाज को प्रभावित किया है। आप जो भाषा बोलते हैं, आप जो व्यवहार करते हैं, उनमें जो कुछ जाने पहचाने शब्द आप प्रयोग करते होंगे, कोई प्रकाश का, कोई संबित का, कोई चेतना का, ये आचार्य अभिनव गुप्त की देन है। लेकिन ऐसे आचार्यों की परंपरा जो है उनसे हम परिचित नहीं होते, और उसमें बहुत सारे कारण रहे हैं, जिसमें एक कारण जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम भी रहा है कि पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो रहा है वो बाहर से लाया गया और बहुत सारे विषयों में विभक्त किया गया, इस तरह का रहा है। लेकिन बीच बीच में जहां भी हमें समय और स्थान मिलता है, मौका मिलता है, तो हमें अपनी परंपरा के कुछ आचार्यों से परिचय करना चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए और समझना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ अगले 2-3 मिनट आप लोगों के लूंगा, और उसके बाद जो हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं वो इस सारे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने सोशल साइंसेज और लिंग्विस्टिक्स को जिस रूप में और जिस तरीके से पढ़ा और पढ़ा रहे हैं, चाहे वो भारतीय भाषाओं के नाम पे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से हमें अपनी ही परंपरा से अपरिचित रखा है, तो उस सारे विषय को जानने और समझने के लिए मैं आपके सामने एक प्रस्तुति दे रहा हूं। आप देखिए कि आचार्य अभिनव गुप्त की ये जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें भाषा से कितना परिचित है। अगर आप इसको 1 to 16 के स्केल पे देखना चाहें तो आप कहीं पर भी अपना मार्क लगा सकते हैं और आप अनुमान कर सकते हैं कि इस महामहेश्वराचार्य को आप कितना जानते हैं, क्योंकि भाषा से कितना परिचित है, उनके कर्मों से आप कितना परिचित हैं। आप उन्होंने जिस स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया है, जिसके ऊपर सारा का सारा जो है काश्मीर शैविज्म खड़ा है, उससे आप कितना परिचित हैं और कितने आयामों से आप परिचित हैं, उस धर्म से
निश्चित रूप से रिलीजन के अर्थ में नहीं है, धर्म के रूप में उनके जो संबंध रहे हैं, उनके जो विचार है, और ये संबंध केवल आप ये मत समझिएगा कि लौकिक संबंधों की बात है, नौ प्रकार के संबंधों की ये चर्चा है जो हमें सामान्य रूप से नहीं पता होगी, भावों के स्तर पे और ज्ञान के स्तर पे उनसे हमारा कितना परिचय है उसको अगर आप एक बार जान लें, समझ लें 1 to 16 के स्केल पे, तो जितना भी इन बिंदुओं के अंदर होगा वो तो आप जानते होंगे और जितना इन बिंदुओं के बाहर है उतना आप नहीं जानते। तो आज का ये जो सेमिनार है, वेबिनार है, और जिन विद्वान वक्ताओं को हमने सादर आमंत्रित किया है, उनसे हम जितना जानते हैं उससे आगे जानने के लिए उनको सादर आमंत्रित किया है। अब ये बात को थोड़ा और समझ लें कि हमारी स्थिति आचार्य अभिनव गुप्त की भाषा, भाव और विचार और व्यवहार को समझने के कितनी योग्य है। इतनी सीमाओं को, परिसीमाओं को जानने के बाद हम आज जो अपने को परिभाषित करते हैं, हमें परिभाषित अपने आप को करना पड़ता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा और व्यवहार से, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें आपको प्रीएम्बल में दिया गया है, आदि आदि ये सारी चीजें हैं। एक और तो इसी से हमारा जो है दैनंदिन व्यवहार चलता है और इसी से हमारे बाकी चीजें चल रही है। दूसरी तरफ से हमारी जो पर्सनैलिटीज, हमारे जो व्यक्तित्व तो परिभाषित होते हैं, वो ट्रेड और इंडस्ट्री और कॉमर्स से परिभाषित होते हैं, क्योंकि जो सामान्य रूप से आप लोग और हम लोग बच्चों को कहते हैं गुड और स्मार्ट आदि आदि की जो भाषा हम प्रयोग करते हैं, तो इस तरह की भाषाओं के बीच में हम आचार्य अभिनव गुप्त को आज जानने समझने के लिए उत्सुक हैं, तत्पर हैं, और इन्हीं के बीच में हमें इन भारतीय आचार्यों को स्थापित भी करना है, सुप्रतिष्ठित भी करना है और उन्हें मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में भी लाना है। इसलिए इनसे परिचय करने के लिए आज का ये संस्कृत विभाग के द्वारा उद्यम किया गया है। आज जो अभिनव साहित्य, अभिनव गुप्त का जो साहित्य हमें मिलता है, उसके दोनों पक्षों से हम परिचित होने का प्रयास करेंगे। एक और जो सौंदर्य का, एस्थेटिक्स का पक्ष है, और दूसरी ओर दर्शन, योग और तंत्र का पक्ष है। और इसमें जो प्रयुक्त होने वाली शब्दावली है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, प्रकाश, चिति, स्वातंत्र, आनंद, विमर्श, संवेद आदि आदि, तो इस शब्दावली को आप लोग ध्यान रखेंगे तो बात को समझने में आसानी भी होगी और अपने जितना हमें जानने का एक बोध रहता है उसमें पता लगेगा कि उसको और विस्तृत हमें करना है। अब इसके साथ साथ एक और ये भी देखिए आप दाई ओर की ओर कि आचार्य अभिनव गुप्त के चार पक्ष हैं। पहला जो पक्ष है प्रतिभिज्ञा, सेल्फ रिकॉग्निशन, जिसे आप सामान्य रूप से अंग्रेजी में अनुवाद कर देंगे, हालांकि ये प्रतिभिज्ञा शब्द उससे कहीं अधिक है, और सौंदर्य का आधार प्रतिभिज्ञा ही है। ये विद्वान वक्ता, मुझे आशा है कि वो इसको सुस्थापित करेंगे और तर्कसंगत रूप से इसको प्रस्तुत करेंगे। इस सौंदर्य में आपको चाहिए क्या होता है, स्पंद चाहिए होता है। ये भी काश्मीर शैविज्म का दूसरा मेन मेजर स्कूल है, पहला प्रतिभिज्ञा स्कूल है, दूसरा स्पंद स्कूल है, तीसरा कुल और कौल जिसे आप कहते हैं वो तीसरा कॉल स्कूल है, और चौथा जो स्कूल है इनका वो है क्रम स्कूल है, क्रम संप्रदाय। तो इन चार पक्षों के बीच में महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त को हम कैसे समझें, कैसे जानें, और दूसरी तरफ हमारी कंडीशनिंग जो हुई है वो इंडस्ट्री और जो ट्रेड की भाषा है उससे भी कंडीशनिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा से भी हमारी कंडीशनिंग है, उसके बीच में आनंद की बात करना, स्वातंत्र की बात करना, विमर्श की और संवित आदि के शब्दों का प्रयोग करना, ये थोड़ा सा कठिन तो होगा, लेकिन फिर भी अगर हम विनम्र भाव से अपने ज्ञान के प्रति अगर अपनी ज्ञान की सीमा को समझते हैं, मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारे संभावनाएं और विस्तार जो है वो आज हमें देखने और सोचने को मिलेगा, और नई दृष्टि भी मिलेगी जिसे हम कह सकते हैं कि अपनी परंपरा को, अपने ज्ञान को हम कैसे देखें, केवल मात्र उसे निंदा की दृष्टि से ना देखें। और एक अंतिम स्लाइड दिखा करके मैं आप लोगों मुख्य वक्ता को आमंत्रित करना चाहूंगा और वीरेंद्र जी को दोबारा आमंत्रित करूंगा कि देखिए, जब भी किसी व्यक्तित्व को देखना होता है तो शास्त्र परंपरा में तीन पक्ष होते हैं, क्योंकि इतने विशाल व्यक्तित्व जो होते हैं उसको आप सामान्य बुद्धि से नहीं समझ सकते, अपनी कंडीशन्ड बुद्धि से, कंडीशन्ड माइंड से, कंडीशन्ड लैंग्वेज से, कंडीशन्ड एक्शन से नहीं समझ सकते।
उसके लिए हमें तीन पक्ष लेने होंगे। तो धीरे धीरे करके पहला पक्ष जो है उसका पार्थिव पक्ष कहलाता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन पार्थिव पक्ष का मतलब है कि रोजमर्रा के जीवन में जो हम शब्दों का और व्यवहार करते हैं वो उसका पार्थिव पक्ष होता है। क्योंकि ये आनंद शब्द जो है जिसको आप प्रयोग करें, या आप शब्द का प्रयोग करते हैं, संवित शब्द का प्रयोग करते हैं, और इस सारे शब्दावली का प्रयोग आप किचन से लेकर के अपने जो दैनंदिन रोजमर्रा के व्यवहार हैं उनमें इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा पक्ष जो है वो है शाश्वत पक्ष। शाश्वत पक्ष का अभिप्राय ये है कि काल क्रम से चले आ रही जितने विचार हैं, जितने भाव हैं, जितनी शब्दावलियां हैं, वो निरंतर आज तक चलायमान है। ये कोई काल का स्थिर बिंदु नहीं है। इसका अभिप्राय है कि आदि काल से चले आ रही शब्दावली, विचार और भाव जो आज तक हमारे तक पहुंचे हैं और हमारे से आगे जाएंगे, वो शाश्वत का अर्थ है। तो अभिनव गुप्त का वो शाश्वत पक्ष भी हम देखने का प्रयास करेंगे। और तीसरा जो पक्ष है वो पक्ष हमें ये बताता है, चिन्मय पक्ष जिसे कहेंगे अभिनव गुप्त का, वो है कि उन्होंने से मूल्यों को स्थापित किया, कौन से ऐसे तत्वों को स्थापित किया जिसके आधार पर हम भारतीयता को प्रकाशोपासना के साथ संबद्ध करके देखते हैं। तो इन सारी बातों को हम आज जानने समझने के लिए जिन विद्वान को आज हमने सादर आमंत्रित किया है संस्कृत विभाग की ओर से, उनका परिचय और उनका सम्मान करने के लिए मैं दोबारा से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को, जो अध्यक्ष हैं संस्कृत पाली विभाग पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आगे का कार्यक्रम आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस भूमिका के उपरांत मैं आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन भी करता हूं, और प्रोफेसर सतीश कपूर जी से आप सभी परिचित हैं, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के जो कैंपस है जम्मू में, वहाँ साहित्य विभाग के अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं, और काव्य शास्त्र और काव्य में उनकी उतनी ही गति है, और ऐसे उद्भट विद्वान हमारे आज मध्य में हैं। तो मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और ज्यादा ना कहते हुए विषय की प्रस्तुति के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर सतीश कपूर जी को। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीवाद्यो नमः। स्वर श्रूयते, आवाज सुनाई दे रही होगी? हाँ जी सर, श्रीवाद्यो नमः। सिद्धवाद्यो नमः, वाक्सिद्धिभ्यो नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः, एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिर्मां सरस्वती। अद्यतन पुण्य प्रसरस्य अवसरस्य महामहेश्वराचार्यस्य श्रीमदभिनवगुप्तस्य जयन्तीमुपलक्ष्य एकदिवसीया ई संगोष्ठी, तत्रापि च पंजाबी विश्वविद्यालयस्य संस्कृत पाली विभागस्य ये अध्यक्षा अस्माकं प्रियाः डॉक्टर वीरेंद्र महोदयः, विषय प्रस्तावकः अत्र समुपस्थिताः, यान् अनुपदमेव श्रुतवन्तः वयम्, प्रोफेसर आशुतोष महाभागाः, अन्येपि समुपस्थिताः श्रुतनामानः विख्यात नामानः विद्वांसः वरेण्यः, सर्वान् प्रति हार्दिकं नमः। यद्यपि संस्कृत से प्रारंभ करना, उसमें बोलना, उसमें व्यवहार करना, संप्रेषण आदान प्रदान, ये मेरी व्यक्तिगत भी रुचि रही है। उस दिव्यवाणी से प्रारंभ करते हुए, क्योंकि आज हम जिस महान विभूति की चर्चा करने जा रहे हैं उन्हीं के स्वतंत्र श्री को सामने रखते हुए भाषा के बंधन से मुक्त होकर मैं अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करूंगा। आचार्यः अभिनव गुप्तः एकं बहुमुखं व्यक्तित्वं, एक बहुमुखी व्यक्तित्व,
मैं इसमें विशेष भूमिका नहीं बांधूंगा, क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेटिव है केवल सूचनात्मक है वो इनकी जीवन शैली या जीवन वृत्त इत्यादि इनकी ग्रंथ रचनाओं से, उससे एक स्टेप, उससे एक कदम आगे, अग्रेपि किंचित वक्तुम अहमि है। जब ये चर्चा चल रही थी, डॉक्टर वीरेंद्र जी ने अभी सप्ताह भर पहले कहा कि इस विषय पर कुछ बोलना है, तो मुझे लगा कि आचार्य अभिनव गुप्त के किसी एक पक्ष को लेकर बोलना एक तो स्वयं के लिए भी परिष्कार के दरवाजे बंद करने जैसी बात होगी। तो इसीलिए बहुमुखी व्यक्तित्व, यहाँ व्यक्तित्व शब्द सिर्फ पर्सनैलिटी से संबंधित नहीं इसका आशय रखा गया है। जो एक प्रतिभा नवनवोन्मेष शालिनी जो प्रज्ञा है, उसी के संदर्भ में यह विषय चयन किया गया। इनके व्यक्तित्व को जितनी वैविध्य, जितनी बहुमुखी इनकी प्रतिभा रही, दार्शनिकता है, रहस्यवादिता है, साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य मनीषी रहे, कश्मीर शैव दर्शन के महापंडित महाआचार्य, तंत्र संगीत कवित्व धर्म तर्क इत्यादि शास्त्रों के ये महान आचार्य हुए, इन पर कुछ भी चर्चा करने से पहले मैं एक बात महाभाष्यकार भगवान पतंजलि की, जो मुझे बहुत ही प्रिय लगती है, जो बातें जो मैं जिसको एक फेवरेट अपने जो फेवरेट मानता हूं, जो है यदधीतम अविज्ञातम, ये अभी मैं जो प्रास्ताविक में मैं जो कुछ सुन रहा था उसी से संबंधित मेरे भी इसी प्रकार की विचारधारा कि आजकल की जो पठन पाठन की शैली हो गई है, शिक्षा नीति के प्रति मेरा किसी प्रकार का कोई भी वक्तव्य अथवा विशेष टिप्पणी नहीं, यद अधीतम अविज्ञातम शब्दे नैव निगद्यते। भगवान पतंजलि कहते हैं कि जो हमने पढ़ा किंतु अविज्ञातम, किंतु उसको एनालाइज नहीं किया, उसके अंदर तक हम घुसे नहीं है, उसको कुरेद कर हमने नहीं देखा, तो यद अधीतम अविज्ञातम शब्दे नैव निगद्यते, हम केवल शब्द मात्र से उसको कह देते हैं, कहने का मतलब प्रस्तुत मात्र कर देते हैं, डिक्टेशन। तो जैसे सूखा ईंधन जो है आग ना होने पर नहीं जलता, अनग्नाविव, ठीक उसी प्रकार जिस चीज को समझे बिना, पठन पाठन की शैली वैसी हो गई, पढ़ने वालों का मस्तिष्क एक नई पीढ़ी के प्रति विशेष करके ये मेरा लक्ष्य है, निर्देशन जो है, यदधीतम अविज्ञातम शब्दे नैव निगद्यते न तज्ज्वलति कदाचित् अनग्नाविव शुष्केदः। आग नहीं है, ईंधन सूखा है किंतु वह नहीं जलेगा। यहां जलने का अभिप्राय प्रकाश से हो गया, उस ज्ञान से हो गया। और इसी प्रकार दूसरा एक मैं जरूर अपनी बात शुरू करने से पहले उन्हीं भगवान पतंजलि का वचन, एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। एक शब्द को सम्यक प्रयुक्त, सम्यक्त्व, सम्यक्त्व क्या है? अन्यून अनति प्रसक्त धर्मता। अन्यून मतलब जितना कहना चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए, और अनति प्रसक्त और उसको लांघना भी नहीं चाहिए। टू द पॉइंट, पिन पॉइंटेड मैटर, जिसको बोलते हैं तोल कर बोलना जो है, यह सम्यक्त्व की श्रेणी में आता है। चाहे हम अलग अलग दर्शनों की बात करें, अलग अलग विचारधाराओं की बात करें, तो सम्यक के अलग अलग व्याख्यान उसमें होंगे। सामान्य रूप से तो स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति, यहाँ किसी भी शब्द को हम कंटेक्स्ट में देखते हैं तो वो एक अर्थ में बंध जाता है। यहां से मेरी बात शुरू हो रही है, हमारे आचार्य जो कहते हैं, भगवान भाष्यकार हुए, चाहे हमारे शास्त्रकार हुए, चाहे दर्शनों के, चाहे न्याय में हुए, योग में हुए, कि जब हम संदर्भ में बोलते हैं तो प्रवृत्ति और व्युत्पत्ति निमित्त शब्दों का अलग हुआ करता है। अभी इन शब्दों की भी चर्चा चल रही थी कि शब्दों को किस अर्थ में प्रयोग करना है, हमारी बुद्धि संकुचित कैसे होती है, हमारी बुद्धि का विस्तार कैसे होता है, तो उस ब्रॉड विजन के लिए हमारा दृष्टिकोण कितना व्यापक होना चाहिए। उसी दृष्टि से हमारे आचार्य ने बहुत पुराना एक सिद्धांत स्थापित किया, व्युत्पत्ति निमित्तम पृथक, प्रवृत्ति निमित्तम पृथक। और इससे एक और स्टेप, आज के आधुनिक युग में, टेक्नोलॉजी के इस युग में अगर हम बात करें, तो
तो शब्द कुछ भी नहीं है, शब्द केवल एक मैप है, शब्द एक टैग है, टैगिंग जैसा है, शब्द एक कोड वर्ड है जिसकी कोडिंग डिकोडिंग का सिस्टम हमें समझ में आ जाए तो अंदर रखा हुआ सारा अर्थ हमें स्पष्ट हो जाता है। इसी के अवांतर भेद के अंतर्गत मैं वापस फिर इसी विषय पर आऊंगा, किंतु मैं जानना चाहता हूं कि शब्दों को हमने वेदों को शब्द प्रधान माना, शब्द प्रधान माना कि जैसे पर्यायवाची शब्द रखते हुए हम किसी भी मंत्र का उल्लेख वहां पर मंत्र के रूप में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यद्यपि श्रुत परंपरा से बड़े बड़े विद्वानों ने, कई वंश, कई ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया उस श्रुत परंपरा से, उदात्तान उदात्तादि व्यवस्था को पूरी तरह से अब आत्मसात करते हुए उन मंत्रों को अपने कंठ में रखा, आगे परंपरा तक पहुंचाते गए, आने वाली पीढ़ियों तक देते रहे। किंतु शब्द प्रधानता का जो मूल विषय है उसको मैं आजकल के युग में समझना ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसको बोलते हैं इन्फ्यूज करना। जैसे छोटी सी चिप में हमने क्या क्या इन्फ्यूज कर दिया, देखने में वो छोटा सा टुकड़ा लगेगी, किंतु जब हम सिस्टम में, कंप्यूटर में जब उसको अपने पूरे सिस्टम में चलाते हैं तो पता लगता है इसके अंदर क्या छिपा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से शब्दों में उदात्त अनुदात्त और स्वरित की व्यवस्था जहां हिली उस व्यवस्था को बिल्कुल गड़बड़ाने ना पाए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई विकृति ना आने पाए, इसीलिए शब्द प्रधानता उसमें किसी भी मात्रा वर्ण मात्र को इधर से उधर करने की अनुमति नहीं दी गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे कि आज मोबाइल सबके हाथ में है, कंप्यूटर सिस्टम या इसी प्रकार के और जो सिस्टम होते हैं, वॉइस चैट से हम अगर अपने मोबाइल को लॉक कर देते हैं, वॉइस के अलावा अपनी आवाज से हमने उसमें शब्द दिया, मान लीजिए कि हमने कह दिया डिंग डोंग, डिंग डोंग हमारी नजर में निरर्थ हो सकता है, किंतु जब हमारे मोबाइल ने उसको स्वीकार कर लिया, लॉक हो गया, अब लॉक खुलेगा जब हम इसी शब्द को बोलेंगे, ये सामान्य प्रवृत्ति, किंतु खोलेंगे तब जब हम उसी पिच, उसी स्केल, उसी मैग्नीट्यूड, उसी इंटेंसिटी पर हम उस शब्द को बोलेंगे। यहां मैं तीन चार शब्दों का जो प्रयोग कर रहा हूं, उदात्त अनुदात्त की ओर जाने के पर्पज से, उसके प्रयोजन से ही मैं कर रहा हूं। उसी इंटेंसिटी से मान लीजिए हमने उसको लॉक को खोलने के लिए बोल दिया डिंग डोंग, ये मेरी आवाज मंत्र में चली गई है, उसको तार में बोल दिया मैंने डिंग डोंग, ये नहीं खुलेगा, उसी पिच उसी इंटेंसिटी पर जो उसका घनत्व है, उसका जो वॉल्यूम एक अलग श्रेणी, वो बहिरंग में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार वेद के जो मंत्र इत्यादि हैं, उन मंत्रों में उदात्त अनुदात्त की जो व्यवस्था दी गई, उदात्त के अंतर्गत भी जो पाणिनि अपने उसमें कहते हैं उच्च उदात्त और उच्चत्व नीचत्व तालवादिशु स्थानेषु उन्होंने कहा है, इसका एक अलग पक्ष है, मैं अभी उसकी ओर नहीं जाना चाहूंगा, किंतु ये इस विषय को इंगित करने का मेरा केवल इतना अभिप्राय था कि इस विषय पर विशेष रूप से एक साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से फिर से खोज होनी चाहिए, क्योंकि अष्टाध्यायी जिसको एक भारी भरकम ग्रंथ मानकर इधर पढ़ लिया जाता है, अभी देखता हूँ जैसे कि व्योम इत्यादि या इधर और जो है जो कई प्रकार के जो पोर्टल बने हुए हैं, वेबसाइट्स बनी है, बहुत प्रशंसनीय कार्य उन्होंने किया। हम संस्कृतज्ञों को इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, उस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए, ये अवान्तर एक पक्ष की बात थी। ठीक उसी प्रकार वापिस आते हैं कि शब्द को सुप्रयुक्तत्व कहा गया, उसमें मैंने इन्फ्यूजन की बात कही थी, हमने उस शब्द को आवेशित कर दिया। जब हम किसी महान आचार्य, महान तपस्वी, अपने मुनियों की, अपने ऋषियों की किसी रचना, किसी मंत्र को पढ़ते हैं, तो एक बार इस चीज को आप थोड़ा सा अनुभव कीजिए, थोड़ा सा महसूस करके देखिए, बहुत ही आनंद से भर जाता है तन मन कि जिस शब्द को, जिस मंत्र को, जिस वाक्य को हम पढ़ रहे हैं, वह वाक्य है जो हमारे ऋषि मुनियों के चिंतन के बाद परापश्यंति मध्यमा वैखरी का सफर तय करते हुए निकला है। उस वाक्य को जब उन्होंने लिखा होगा तो केवल ऐसा नहीं कि लेखनी उठाई और लिख दिया होगा, या उस प्रकार से उन्होंने आगे परंपरा में उसको श्रुत परंपरा से आगे प्रवाहित किया होगा, उसी लिखे हुए शब्द को, उसी लिखे हुए वाक्य को अथवा मंत्र को हम स्वयं पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो ज्ञानवश अथवा अज्ञानवश पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर अर्थ नंबर टू पे आता है, इसीलिए शब्द को ब्रह्म की हमारे यहाँ उपाधि दी गई है, हमारे यहाँ व्याकरण को दर्शन माना गया है, ब्रह्म शब्द को ब्रह्म तत्व, ब्रह्म किस लिए, क्योंकि ब्रह्मण है, उसमें व्यापकत्व है उसका।
आकाश गुण आदि ये सभी जो चर्चाएं, हम चाहे दर्शन की ओर चले जाएं, चाहे साहित्य की ओर चले जाएं, चाहे व्याकरण की ओर चले जाएं, चाहे योग में चले जाएं, चाहे हम शब्द के दूसरे रूप को जब हम वाङ्मय राशि में लेते हैं तो शब्द को हम इधर शास्त्रादि जो वाङ्मय बना है उसमें ले जाते हैं, जब हम नाद रूप में शब्द की उपासना करते हैं तो वो संगीत में चला जाता है, वो संगीत की ओर जब चला जाता है तो उसके अंतर्गत फिर भी जो बीच में जो एक ब्रिज बनता है उनका, उदात्त अनुदात आदि व्यवस्था को भी षड्ज इत्यादि में बांधा गया, पाणिनीय शिक्षा इत्यादि, शिक्षा आदि अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन आ जाता है। इसी वर्णन को हमारे योग शास्त्रों में, अध्यात्म में, तंत्र में, यहां तक ये जो हमारे साहित्यिक शास्त्रों में आचार्य अभिनव गुप्त भी, जो अर्वाचीन आचार्य हुए उन्होंने तो कहा ही, और हमारे जो अभिनव गुप्त आचार्य है उन्होंने भी इन स्वरों की प्रधानता से, स्वर योग शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में हम चले जाए, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर इत्यादि की बात चलती है, स्वर को दूसरे शब्द में चले जाए, हम व्याकरण शास्त्र की दृष्टि देखें तो वल के लिए हम बोल सकते हैं उसको, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संगीत में जो नाद के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले स्वर है, उन स्वरों में भी 4-3-2 की श्रुतियों पर बांटे हुए हैं। श्रुतियों के अंतर्गत जाने पर हर एक की जो वाइब्रेशन होती है भारतीय संगीत के अंतर्गत भी, क्योंकि हमारे जो आज के आचार्य हैं, मैं अपने वक्तव्य में सभी प्रकार के लिमिट, चाहे वो भाषा का बंधन हो, चाहे वैचारिक बंधन हो, क्योंकि वो स्वातंत्र की ओर जाने वाला एक हमारे आचार्य महामहेश्वर आचार्य जो हुए हैं, उन्हीं का एक दिया हुआ सिद्धांत, उन्हीं की एक विवेचना का प्रबल पक्ष रहा है। तो जब ये श्रुतियां इधर उधर से खुलने लगती हैं, एक शब्द को बोलते वक्त हमारे देहन में, हमारे आत्म में, हमारे दिलो दिमाग में जो विचारधारा चल रही होती है, जिस समय वो समय चल रहा, जो काल गणना होती है, उस क्षण उस विचारधारा के अंतर्गत निकला हुआ हमारा शब्द अपनी उसी शक्ति से इन्फ्यूज रहेगा, आविष्ट रहेगा। उसके अतिरिक्त हम उस शब्द को अगर दोबारा भी बोलते हैं तो वह शब्द अपना स्वरूप बदल चुका होगा। जैसे अभी मैंने ईश्वरः 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 इस शब्द को मैंने 3 बार बोला, 3 बार बोलने में काल का भेद तो स्पष्ट है। इस काल के भेद में मेरे जेहन में जाने अनजाने में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में कौन कौन सी एक विचारधारा, जैसे बैकग्राउंड पीछे चलता है, उसी प्रकार कौन सी एक पृष्ठभूमि रही है, तीनों में अंतर हो जाएगा। साहित्य के अंतर्गत, साहित्य शास्त्र के अंतर्गत जो सत्वोद्रेक माना जाता है, सत्वोद्रेक के अंतर्गत ये माना गया कि अखंड स्व प्रकाशानंद चिन्मय, रस की अनुभूति के अंतर्गत ये प्रकरण आता है। ये सीधा रस की अनुभूति में मैं सबसे पहले ही अपना ये पॉइंट, जो अपना बिंदु है, हमारे आचार्य अभिनव गुप्त इन्हीं के अनुसार जो अन्य आचार्यों ने भी ग्रंथ लिखे, एक बहुत ही सुंदर जो इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया, अपना जो सिद्धांत दिया कि जब किसी भी प्रकार का हमें सत्वोद्रेक होता है तो बाह्य बोध इधर उधर का हमें नहीं रहता, अन्य किसी भी संसार की किसी भी वस्तु से, बिल्कुल सामान्य रूप से एक लौकिक उदाहरण दिया जाए, कक्षा में बैठे हुए कई बार विद्यार्थियों से, शोधार्थी, आपने कई बार मित्रों से, मैं बात करता हूँ कि हमें कोई अगर दार्शनिक या इस प्रकार का विषय कोई मिल जाता है, योग आदि का, जिसके प्रति हमारी रुचि नहीं जुड़ी होती है, वह विषय हमें 10 बार 50 बार दोहराने पर भी पूरी तरह से हमारे अंदर नहीं उतरता। किंतु जब हम मूवी देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, 3 घंटे की मूवी, उसका एक एक संवाद हमें याद रहता है, उस संवाद के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक क्या बजा था ये तक हमें याद रहता है, किंतु हमने कभी विचार करके ही नहीं देखा कि किस दृष्टि से याद रहता है। उस समय हम सत्वोद्रेक के अंतर्गत चल रहे होते हैं, उस बाह्य अन्य किसी भी प्रकार के जो भी पदार्थ है उनसे सब हम अनछूते रहते हैं, उनसे अनटच्ड रहते हैं। बात फिर वही आती है कि विषय की सीमा रेखाएं अलग अलग बनती गई। प्राचीन हमारी गुरुकुल की पद्धति थी, विषयों का भेद नहीं होता था। आजकल जो विश्वविद्यालयीय कह लें या विद्यालयीय पद्धति के अंतर्गत हम विषय को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करने का मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, हमें किसी का पता नहीं है किंतु हमने पढ़ लिया क्योंकि हमें डिग्री चाहिए।
मैं इस प्रकार की वार्ता थोड़ी सी करते हुए भी उसका विस्तार से नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी आलोचना या समीक्षा करना अभी मेरा लक्ष्य भी नहीं है और किसी प्रकार की अंदर से मेरा अभिप्राय भी नहीं है। प्राचीन गुरुकुल परंपरा में सभी विषयों के, जैसे हमारे एक आचार्य हैं जो महावैयाकरण हुए, आचार्य मम्मट जो है, किंतु उन्होंने साहित्य शास्त्र में काव्य प्रकाश जिस विद्वत्ता से, जिस वैदुष्य से जो है प्रतिपन्न किया। आचार्य अभिनव गुप्त की बात आती है तो वर्सटाइल पर्सनालिटी तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु हमारे लिए आज के युग में अगर हम इस सीमा रेखा को बात पार न करें तो हमें लगता है कि एक व्यक्ति में इस प्रकार के इतने व्यक्तित्व, इतनी प्रतिभाएं किस प्रकार से हो सकती है। किंतु एक जब बिंदु, सेंटर एक्सल पॉइंट जब होता है, उसकी परिधि हम जितना चाहे विस्तार कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी चित्र, हमारे जो फोटोग्राफ से लिया हुआ छोटा सा निगेटिव है, हम उसको पासपोर्ट साइज कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड साइज कर सकते हैं, उसका एक बड़ा सा पोस्टर बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे आचार्य अभिनव गुप्त हैं, संगीत और कवित्व मुख्य रूप से, तो इनको अगर बांटना चाहें तो वो हमारे अपने अपने एक स्पैन हो जाएंगे, अपने अपने डिसेक्शन हम कैसे करना चाहें, किंतु ज्यादातर आचार्यों ने 3 या 4 कोटियों में इनके रचनात्मक क्रिएटिविटी को, सूचनात्मक मैंने पहले कहा, केवल इन्फॉर्मेशन देना मात्र कि इनका स्थिति, जन्मकाल इत्यादि, मैं उससे एक स्टेप आगे जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ये पृष्ठपेषण जैसी बात होगी। जब दर्शन की दृष्टि से, दर्शन का अभिप्राय सीधा सीधा सा है कि हमें देखना, देखना का मतलब यहाँ सामान्य देखने से नहीं है, इसकी पूर्व भूमिका में ही जैसे व्युत्पत्ति और प्रवृत्ति निमित्त है, इसमें एक ही शब्द को कई अर्थों में प्रयोग करने के लिए हमें कभी वाच्य का, कभी लक्ष्य का, कभी व्यंजना का, तात्पर्य का, रसना का, और इससे भी अभी जिसको हम अभिप्राय कह देते हैं, जैसे कि एक सामान्य है, जो डूब कर नहीं पढ़ा करते वे अक्सर डूब जाया करते हैं। यहाँ डूबने का अभिप्राय अगर हम शब्द पर ही अड़े रहकर देते हैं तो एक और विपत्ति निमित्त बन रहा है, दूसरी ओर प्रवृत्ति निमित्त बन रहा है, उदय होना, हमारे सारे शब्द केवल और केवल एक आभासी झलक रह देते हैं। इसी आभास, ये पूरी भूमिका है, नंबर एक जो स्वातंत्र्य की मैंने चर्चा की, नंबर दो जो अभी आभास चला है हमारे यहाँ, आभासवाद जो है, इनों का एक सिद्धांत के अंतर्गत जब हम शैव दर्शन की चर्चा करते हैं, त्रिक की चर्चा करते हैं, त्रिक त्रिशूल, भैरव का त्रिशूल के लिए ये त्रिक शब्द का प्रयोग हुआ। चित्त आनंद अलग से है, उसके बाद इच्छा है, ज्ञान है, क्रिया है। इस त्रिक के सिद्धांत को कितना सुंदर एक सेल्फ प्रोग्रामिंग का आधार बना दिया गया। सेल्फ प्रोग्रामिंग कैसे, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में हम, या कंप्यूटर में कुछ भी हम बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले इच्छा, इच्छा के अनुरूप कि मैं क्या बनना चाहता हूं, हम अपने आप को भी बना सकते हैं या दुनिया के किसी भी, विश्व के किसी भी कार्य को हम उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो उस इच्छा के अनुरूप हमें जितना ज्ञान चाहिए, और ज्ञान का मतलब केवल नॉलेज से न समझा जाए, ज्ञान का मतलब इंट्यूशन से न समझा जाए, ज्ञान का मतलब केवल और केवल कॉम्प्रिहेंशन से न समझा जाए, ज्ञान का मतलब एनलाइटनमेंट मात्र न समझा जाए, अपितु इन सब का एक मिला जुला संयोग, जहां जैसी अपेक्षा, जैसे यथोद्देशम यथा कालम की परिभाषा देते हैं, मैं उसी परिभाषा को, व्याकरण की परिभाषा है, किंतु जब हम परिधि के नियमों को तोड़ देते हैं, हम किसी परिधि को तोड़ देते हैं, तो मतलब हमारा एक स्काई इज द लिमिट। हमारे जिस महामहेश्वर आचार्य के चर्चा का हम जो पुण्य लाभ अभी ले रहे हैं, कहते हैं ना, महताम संस्तव एवं गौरवाय, ऐसा नहीं है कि उसके बारे में कोई नई चीज आ रही है, उनका एक एक शब्द, एक एक चर्चा उनके बारे में कर लेना भी। तो जहां बात चल रही थी कि दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो दर्शन होने का व्युत्पत्ति प्रवृत्ति वाला निमित्त पहले से ही मैंने चर्चा की, ठीक उसी प्रकार जब हम इनके त्रिक के अंतर्गत, ये जो आजकल में इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, हम बहुधा पढ़ते रहते हैं, किंतु इन्होंने जब त्रिक में बांधा तो यहाँ एक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और विशेषकर ये विदित वेदितव्य जो विद्वत जन है उनके लिए ये केवल चर्चा मात्र ही समझा जाए, और विशेष जो आने वाली पीढ़ी है, जो लोग यहाँ जुड़े हैं,
उनके प्रति मेरा एक अनुरोध कह लीजिए, एक बहुत ही स्निग्ध निवेदन भी मैं करना चाहूंगा कि किसी भी पढ़ने के लिए, जो भी अध्ययन के लिए मिले, जो भी हमारे सामने अनुशीलन के लिए आए, उसको इसी दृष्टि से पढ़कर देखें। यहां जैसे कि प्रत्यभिज्ञा शब्द की बात चली, इसको हम व्युत्पत्ति से देखते हैं तो जैसे उत्तर प्रत्युत्तर होता है, अभिज्ञा मतलब आइडेंटिफाई कर लेना या किसी चीज का परिचय प्राप्त कर लेना, किसी की पहचान कर लेना उसको, और प्रति मतलब उसकी प्रतिपुष्टि कर लेना, उसको क्रॉस चेक कर लेने का नाम प्रत्यभिज्ञा हुई है। अब प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अंतर्गत भी जब जो पूर्व आचार्य जो इसी परंपरा के जो उत्पल देव प्रभृति, तो उसके अंतर्गत विशेष एक बिंदु देखा हमारे अभिनव गुप्त जी ने, उनकी विशेष धारणा वहां पर हुई, धारणा वहां पर जागी कि स्वयं को स्वयं से जानना है, और जानने के बाद जिस को हम नहीं जानते उस अज्ञान रूप के कारण ही जिस बंधन में अपने आप को बंधते हैं, इस बंधन में बंधने का रास्ता मुझे कई बार याद आता है, एक कीट होता है जो अपने आप ही एक दीवार या किसी जगह पर अपना मिट्टी का एक घरौंदा सा बनाता है, और बनाने के बाद स्वयं उसमें बंद हो जाता है। पंजाबी में उसको बोलते हैं हम जैसे क्रैन जिसको बोलते हैं। तो कभी कभी ये स्वयं के हमारे आवरण, अन्य दर्शनों में देखा जाए तो आवरण भंग इत्यादि जो है आनंद का जो प्रमुख स्रोत बन जाता है, भग्नावरणा चित्त इति, तो ये चित्त है और उसके बाद इच्छा ज्ञान क्रिया। हमारे प्राचीन जो शास्त्रों में, प्राचीन ग्रंथों में तपस्वियों ने जो भी लिखा, तो ये शब्द मात्र ना होकर उसको अर्थ देना। अर्थ देने का एक बिल्कुल छोटे से उदाहरण से मैं बताना चाहूंगा कि स्कूल टाइम में जब हम पढ़ते थे तो हमें मालूम विवाह पर आता था कि पुष्प शब्द का अर्थ लिखें। एक और लिखा आता था पुष्प, हम उसको लिख देते थे फूल। फिर आता था कुसुम का, वो भी फूल लिख दिया हमने। फिर धीरे 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 जब इधर संस्कृत के शास्त्रों से या थोड़ा सा और ऊंचा हमने पढ़ना शुरू किया, तो पता लगा कि हमने जब शब्द पुष्प लिखा तो वह भी शब्द था, जब फूल लिखा तो वह भी शब्द है, जब कुसुम लिखा तो वह भी शब्द है, जो हम बोल रहे हैं वह भी शब्द है, जो आपके कानों में, जो मेरे मुख से आउटपुट है वह भी शब्द है, जो आपके कानों में इनपुट हो रहा है वह भी शब्द है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा वह भी शब्द है, उस लिखे हुए को हमने दृष्टि का विषय बना लिया वह भी शब्द है। चिंतन यहां से आचार्यों का वो ठीक है, क्योंकि हमारा स्तर उसी हिसाब से विद्यालय के समय स्कूल टाइम में उतना ही होता है कि हम शब्द और अर्थ का, किंतु चिंतन तो लगा कि ये तो केवल हमें एक मानचित्र देकर थोड़ा सा पढ़ा दिया गया। फिर बड़े आचार्यों ने, पतंजलि भगवान जो आचार्य बात करते हैं, कहते हैं कि जब हम उस प्रतीत पदार्थ, जब हम उसकी प्रतीति होते हैं, जब सचमुच में पदार्थ हमारे सामने उपस्थित होगा, उपस्थिति दो प्रकार की बताई गई, एक तो प्रत्यक्ष है और एक मानसिक है। मानसिक जैसे कि अभी हम चर्चा करते करते कर रहे हैं, जैसे हाथी, हाथी हमारे सामने नहीं है किंतु सबके मस्तिष्क में हाथी उपस्थित हो गया, और व्याकरण वालों ने बड़ा सुंदर सिद्धांत दे दिया, नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ है, कि नियम पूर्वक निश्चित रूप से जिसकी उपस्थिति होगी वही प्रातिपदिक का अर्थ होगा। अर्थ का मतलब यहां शब्द और अर्थ की अंतर क्या भेद है, शब्द का मतलब केवल मानचित्र, शब्द का मतलब एक फोटोग्राफ, शब्द का मतलब एक स्केच, एक ड्राइंग, और अर्थ, अर्थ का मतलब, अब इसीलिए अब भाषाएं विश्व की इतनी हजारों हजारों बनी हुई है, तो भाषाओं का मतलब तो सीधा सीधा अर्थ वो एक हो सकता है, भाषाएं अनेक हो सकती है, तो भाषाओं के अंतर्गत बंधे हुए भी, किंतु उस भाषाओं के, उन भाषाओं के विविधता के बावजूद जब हम साउंड, उसकी ध्वनि को पकड़ते हैं, साउंड कभी नष्ट नहीं हो सकती, इसीलिए शब्द नित्य। यहां शब्द को ध्वनि के रूप में, शब्द को नाद के अर्थ से हटकर, शब्द को शब्द वाङ्मय के अर्थ से हटकर, शब्द को अब उस जिसको कहते हैं ना पिच और स्केल के हिसाब से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, क क यहाँ पर हिंदी में देवनागरी में क है, पंजाबी में वो कक्का हो जाएगा, इंग्लिश में वो के हो जाएगा, इसी प्रकार भाषाओं के बदलने से वो ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती है।
उस ध्वनि के नष्ट होने से मैं अभी विषय पर जो तंत्र की दृष्टि से भी, दर्शन की दृष्टि से भी, संगीत आदि की दृष्टि से भी वो बीच में थोड़ा सा टच दिया जाएगा, किंतु थोड़ा सा एक कि जब हम साहित्य शास्त्र में मेरी इन चर्चाओं से कदाचित इस ओर विषय न ले जाया जाए कि कहां तो साहित्य और कहां बिल्कुल विभिन्न विषय तंत्र, इन सब को एक कड़ी से जोड़ने के लिए ही मेरी ये पूर्व प्रस्तावना, पूर्व पीठिका जो समझे विद्वज्जन, कि साहित्य के अंतर्गत जो गुण वृत्तियां बताई गई, गुण बताए गए हैं, गुणों के अंतर्गत बताया, मैं वापस मुड़कर आना चाहूंगा उसी विषय पर जो हम प्राइमरी सेक्शन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम अपनी वर्णमाला पढ़ते हैं, क ख ग घ ङ च छ ज ज ञ इत्यादि। हम थोड़े बड़े हो गए, संस्कृत में आए तो हमें नया सुनने को मिला, ऐ उण ऋण ऋक ए औङ ऐ औच इत्यादि सुनने को मिले। उसके बाद फिर हमने इसको क्लासिफाइड किया, किंतु ये क ख ग जो हमारी प्राइमरी सेक्शन, हमारी पहली क्लास का विषय था, आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसको हमने भूत लिपि के अंतर्गत देखा, उसमें हमने पांच तत्वों के था, तो यम रम लम बम बम आ गया। हमने बीज मंत्रों की ओर से देखा तो हर देव जिसको हम मानते हैं, तो देवता के प्रथम अक्षर के ऊपर अनुस्वार सहितम, हम अगर नवार्ण मंत्र की उपासना करते हैं तो ऐं ह्रीं क्लीं के अंतर्गत देखिए वहां अनुस्वार आ जाता है। और इसके लिए नाद रूपता तो सभी शास्त्रों में स्वीकार गई है, वो तंत्र हो अध्यात्म आदि कहीं भी आप चर्चा करें देखें। तो जब इन चर्चाओं के अंतर्गत जाते हैं तो मैं अभी कंसंट्रेट कर रहा हूं अपने विषय को आसपास की परिधि में, उनके रेडियस पर आप पूरा फिट करके देखें, इधर से योग को रख लीजिए, इधर से तंत्र को, इधर से अध्यात्म को, इधर से व्यवहार पक्ष को, इधर से भाव पक्ष को, अदर इसी प्रकार से। जब हम गुण वृत्ति के पक्ष से चलते हैं, गुण में कह दिया गया, हम भी पढ़ते थे तो पढ़ने का वही ढंग रहता है कि हाँ गुण बताए गए, प्रसाद माधुर्य ओज, पुराने लोगों ने 10-24 तक गुण बता दिए, आचार्य ने बताए हैं। इन गुणों के अंतर्गत आप थोड़ा सा महसूस करके देखिए कि जब व्याकरण की दृष्टि से इसी को हम महाप्राण अल्प प्राण इत्यादि इसके शब्द उसमें बांध देते हैं, हम इधर जब इस आते हैं तो कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि प्रसाद माधुर्य ओज इत्यादि गुण हमारे आचार्य ने बनाए, इसीलिए हमें उसको ढोना पड़ रहा है। मैं इस बात को पूरे सिरे से नकारता हूं। वास्तव में जो नेचुरल, जो नैसर्गिक, प्राकृतिक, वास्तविक चीज है, वास्तविक पदार्थ है, उसी को हमारे आचार्यों ने बांधा है। मैं इतना बड़ी, इतनी बड़ी बात नहीं कहूंगा, हमारे आचार्य हमारे लिए अत्यंत पूजनीय है, किंतु हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने भी उन सभी पदार्थों को, तत्वों को बांधने का केवल प्रयास मात्र किया है। गुण वृत्ति में आप देखें, गुणों के अंतर्गत आप, गुण वृत्ति नहीं, गुणों के अंतर्गत आप आए, वहां पर उसका मोटा मोटा एक फीचर, उस मोटे मोटे लक्षण बता दिए गए, जैसे कि गुणों के अंतर्गत प्रसाद है कि प्राय करके सर्वसाधारण स्पष्टता होनी चाहिए, माधुर्य में मधुरता होनी चाहिए, औज में औज समास भूयस्तु इत्यादि। समास को भी क्यों मानना, समास तो उपलक्षण है वहां का, समास में भी यहाँ वृत्ति है। वृत्ति का मतलब कृत तद्धित समास आदि, वृत्ति का मतलब एक जो उसको शॉर्टन कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल समास रूप में, समस्त रूप कर दिया जाता है। समास को हम केवल कंपाउंड मात्र क्यों मानकर चलते हैं। उसी प्रकार गुणों में देखें, यहां मैं अपने मूल बिंदु जो कहना चाहता हूं इस संदर्भ में, कि शास्त्र की चर्चा अभी कुछ क्षण के लिए हम यही रखते हुए, अगर हम किसी छोटे बच्चे के प्रति या किसी ऐसा व्यक्ति जो हमारे प्रति बहुत ही, हम उसके प्रति स्नेह करते हैं, हमारी स्निग्धता का वो पात्र है, हम जब उससे बात करेंगे, छोटे बच्चे से अपने घर में, छोटे जो बच्चों में उनसे जैसे प्राय करके हम उसकी गाल को पकड़ कर गुलु गुलु गु 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 मु गु मु गु महसूस करके देखें कि हमारे इन शब्दों का अर्थ हो या ना हो, किंतु इन शब्दों के पीछे कोमलत्व और मधुरत्व ये तो अवश्य मिलेगा। और वो कौन से वर्ण होंगे उनको आप काउंट कर जाइए, हर वर्ग का तीसरा वर्ण तो वहां मिलेगा ही, जिसको हम जश वर्ण बोल देते हैं, काका ग में से ग ज ड द ब, प्रथम वर्ण जहां मिलेगा तो वहां पर हमारा क च ट प। महाप्राण में जब हम वरु आवेश में होते हैं, हमारे अंदर उत्साह होता है, हम रौद्र रूप में होते हैं, हमें गुस्सा आता है या हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उस समय महाप्राण वर्णों का प्रयोग होता है। इन पदार्थों को, इन सभी तत्वों को साहित्य शास्त्रियों ने, अपने आचार्यों ने उसमें केवल लक्षणों में बांधा। लक्षणों में बांधने पर हमें लगा कि इधर उधर के सारे शब्दों को केवल इन्होंने बांधा है, इसी कारण से साहित्य इत्यादि शास्त्र हो गए।
मैं विशेष रूप से साहित्य की चर्चा कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं स्वयं साहित्य का एक विद्यार्थी रहा हूँ, मैं विद्यार्थी शब्द ही पसंद करूंगा, परमात्मा ताउम्र मुझे विद्यार्थी के रूप में ही रखे। साहित्य इसलिए कि वहां सहितत्व में शब्दार्थों सहितों का भाव नहीं मैं मानता हूँ। सहित का मतलब होता है हमें किसी भी शास्त्र पुराण अथवा किसी भी तंत्र की बात को चलना, कहते हैं वो सभी मेटाफर्स में कही गई बातें हैं, एक प्रतीक रूप में कही गई बातें हैं। अगर हम वाच्यार्थ को ढूंढने बैठेंगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, हम उस तह तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तंत्र में हम जाते हैं, तंत्र का सबसे बढ़िया जो बड़ा स्वरूप आजकल एक सामान्य, अगर हम लेमैन एक सामान्य साधारण जन की बात करें तो तंत्र का सीधा सा मतलब होता है टोना टोटका की ओर जाते हैं लोग, जबकि तंत्र का एक बहुत ही बेमिसाल और बड़ा सुंदर होता है सिस्टम। सिस्टमेटिकली जिस चीज को बांध दिया गया है उसको समझना और समझकर उसको अप्लाई कर देना, तो इस अप्लाइड हिस्से का नाम ही तंत्र लिखा गया। जो सिस्टमेटिकली हम किसी चीज को भी अप्लाई कर देते हैं, प्रयोग रूप में ले आते हैं, तो हर चीज की व्यवस्था, हर पदार्थ की व्यवस्था इसमें हुई। मैं गुणों की बात कर रहा था, गुणों की इधर बात करते हुए आप आए, मंत्रों की हम चर्चा करते हैं। मंत्रों में वेद मंत्रों की बात, तो जब श्रुत परंपरा है, उदात्तानुदात्त से बड़े बड़े विद्वान उसका उच्चारण इत्यादि करके अगली पीढ़ियों तक दे रहे हैं, किंतु उनके अतिरिक्त भी आप देखें कि जब तक उन मंत्रों में उदात्त अनुदात्त, ये वो विषय की मैं चर्चा करना चाह रहा हूं जो अक्सर मैं हर मंच पर बोलने का एक प्रयास करता हूं, कि इसमें उदात्त अनुदात्त और स्वरित व्यवस्था को आज तक एक अपनी सही दिशा नहीं मिल पाई है। वो इसलिए क्योंकि वहां उन्होंने कह दिया उच्च उदात्त तो हम उसी पर चल पड़े, किंतु पाणिनि और उसका भाष्यकार उसमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हर एक का अपना स्केल जो हुआ करता है, उसके बोलने का अंदाज है, उसके बोलने की जो पिच इत्यादि होती है वो अलग अलग हुआ करती है। आप देखें, मैं मोटे रूप में बिल्कुल सरल उदाहरण से सुरेश वाडेकर की आप आवाज सुन जाए, अब लगे कि भारी भरकम है, लता जी की आवाज आप सुन जाए वो बिल्कुल बारीक सी लगती है, एक जर जो भजन और गायक जो भेंट गाते हैं नरेंद्र चंचल कितने तार स्वर में गाते हैं, इन्हीं स्वरों की बात को लेते हुए उन्होंने कहा कि उदात्त अनुदात्त और स्वरित हर एक का अपना अपना अलग अलग कैडर में हो सकता है। उसी को आप देखें कि इन उदात्तानुदात्त व्यवस्थाओं में जब एक पूरा मतलब कि ऑडियो पैनल के ऊपर उदात्त अनुदात्त को भाषा प्रयोगशाला की दृष्टि से जब हम नहीं कसेंगे तो वेद मंत्रों का पूरा पूरा अर्थ नहीं जान पाएंगे। व्याख्याकार हुए हैं, सायण हो गए और इधर पाश्चात्य विद्वानों ने भी बहुत सारे किए उनके अर्थ, ठीक उसी प्रकार मंत्र विज्ञान में आते आते उनके सामान्य इनका इतना जाप करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके बाद फिर बिल्कुल हम थोड़ा तीव्र गति से मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि अंदर बहुत कुछ है, किंतु यहाँ पर जैसे शाबर मंत्रों की ओर अगर आप जाएं, आपने अवश्य कहीं इधर उधर जैसे पढ़े होंगे तो शाबर मंत्रों की तो भाषा सामान्य जन के बुद्धि से परे की हो जाती है, तो उसका तो जो बहुत ही आस्थावान लोग होते हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले निष्ठावान जो लोग होते हैं उनको तो लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, उल्टे सीधे शब्द लिखे हुए हैं। मैं बात इसी बात को लेकर आता हूँ फिर उसी इन्फ्यूजन के ऊपर कि शब्द को देखें, शब्द एक मानचित्र है, शब्द केवल एक स्केच है, उसके अंतर उसको बोलते वक्त उसको डिजाइन करते वक्त जो जो भाव उसके अंतर्गत भरा गया, अब भरने वाले कौन है? अगर तो सामान्य जन है मैं उसकी चर्चा भी नहीं करता हूँ, हमारे जो सिद्ध पुरुष है, मैंने इसीलिए अपनी जो वाग देवी को प्रणाम करने से पहले मैंने शब्द बोले थे श्री वाग्भ्यो नमः, सिद्ध वाग्भ्यो नमः, वाक् सिद्धिभ्यो नमः। मैं अभी चर्चा करना चाहूंगा कि सिद्ध वाग्भ्यो नमः, सिद्ध सिद्ध कौन है? जिन्होंने अपने अंतर्गत उस जो उलझी हुई जो ग्रंथियां हैं गुत्थियां हैं उनको सुलझा लिया है, सुलझाने सुलझने के बाद जब उन्होंने बोला और उसी शब्द में वो आवेश वो शक्ति वो आगे शक्ति ट्रांसफर होती चली जाती है, तो तंत्र की दृष्टि से भी चाहे देखें और योग शास्त्र में भी देखें तो योग की दृष्टि से भी जब यम नियम आदि सभी स्तरों से गुजरने के बाद आगे बढ़ने के बाद जब
भाव जागृत होकर हम किसी की ओर जाते हैं वो उससे पहले, मतलब कि दो इसीलिए कहे गए कि हमें अपना ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले एक आकार की कल्पना करनी पड़ती है, फिर उसके बाद बहुत आगे का स्तर रहता है कि जब हम निर्गुण ब्रह्म इत्यादि या एक निराकार पर भी अपना पूरा ध्यान हम जमा लेते हैं, तो निराधार होकर अपने आप को स्थिर रखने जैसी एक बात हो जाती है। ठीक, इसी तरह जो एके साधे सब सधे, हमारे आचार्य जो विशेष करके आज उन्हीं के जो महामहेश्वर महामहेश्वर अभिनव गुप्त जो हैं, उनकी गुरु परंपरा भी, गुरु परंपरा का मतलब कि उनको जहां से जो भी सीखने को मिला, जहां वो व्याकरण का ज्ञान उनको अपने पिता से और इसी प्रकार से तंत्र आदि का भी और जो ज्ञान उनको, और अंत में जो उनका बताया जाता है कि जो जलंधर के जो शंभुनाथ जी थे उनके उनसे जो साधना करके उनके पास जो उन्होंने अपने अंदर आत्म साक्षात्कार किया, तो ये सारी जो परंपराएं हैं आजकल, नहीं मैं आजकल का उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि विषय से थोड़ा सा भिन्न हो जाएगा। तो एक तो जहां से भी हमें कुछ ज्ञान की गंगा बहती नजर आए उसके अंतर्गत से चुनते हुए, उसके अंतर्गत उसमें उसमें डुबकी लगाते हुए आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने पूरे जीवन कुछ ना कुछ उसमें, और सिद्धांत के बाद ऐसा नहीं है कि ज्ञानम भारः क्रियाम विनाह, और उसको उन्होंने आत्मसात किया। आत्मसात करने के बाद स्वयं एक वो साधक बने, यहाँ तक कि शक्तिपात के ऊपर उनके जो अनुभव अनुभव जो उसमें उन्होंने दिए, शक्तिपात, फिर उसके बाद आत्मसाक्षात्कार होना और अनेक शिष्यों की परंपरा को कायम करना और हेलो, जी जी अब आ आप रही आ रही आ रही। तो इतने बड़े महान व्यक्तित्व के विषय में कुछ भी चर्चा करने का जो मुझे सौभाग्य मिला, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन चीजों को हम बहुमुखी रूप में या फिर बहुत सारे विषयांतर में कहते हैं, ये सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। एक ओर से जब चर्चा हुई, जब हमें रोशनी एक ओर से मिलनी शुरू हो गई, तो सभी द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। ये साधक की वह स्थिति कहलाती है कि अपने अंदर की यात्रा जब हमारी शुरू हो गई है, तो बाहर की किसी भी उपाधि का बिल्कुल वैसे ही जैसे मंजिल पर पहुंचने के बाद हमें किसी जो संसाधन को छोड़ना पड़ता है, और इसी प्रकार के बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी धनाढ्य महा माहेश्वर आचार्य श्रीमद् अभिनव गुप्त, उनको हार्दिक और पुनः पुनः मैं प्रणाम करते हुए इस अवसर प्रदान के लिए मैं आयोजकों को, विशेष रूप से डॉक्टर वीरेंद्र जी जो संस्कृत पाली विभाग के अध्यक्ष हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। और सर्वे पीजे विद्वांसः वरेण्या विद्वांसः अत्र उपस्थितः श्रुतवन्तः, मम केवलं सूचनात्मकमिति प्रदेयमिति नास्ति, तत्सूचनात्मकमिति पुस्तकमात्रेषु पृष्ठेषु सर्वं व्यापकं मम मनसः मनसा किंचित चर्चनीयम्। मुझे मन से केवल मन की बात कहनी थी। जो विद्वज्जन है, विद्वज्जन के सामने कहने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। मुझे केवल अपनी बात आने वाली जो पीढ़ी है उन जेनरेशन तक, उस जेनरेशन तक के कहने का मुझे अवसर प्रदान किया गया,
और इन इतनी बड़ी महान विभूति के बारे में चर्चा करना ही मेरे सौभाग्य के द्वार खोलने का एक प्रतीक सा है। मैं अपने इन्हीं उद्गारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः सर्वेभ्यः हार्दिकं नमः। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़े ही सुंदर शब्दों में आपने अपना व्याख्यान दिया और किस प्रकार से हमें अभिनव गुप्त जी की जो उनका साहित्य है, चाहे वो एक योगी की दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से, तंत्रविद की दृष्टि से या साधक की दृष्टि से किस प्रकार से उनको समझना है, वो क्या दृष्टि होगी, किस दृष्टि से हम शब्द के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, किसी शास्त्रीय परंपरा को समझने में शब्द किस प्रकार सहायक होते हैं, तो उस पे आपने बड़ा सुंदर प्रकाश डाला। मैं विभाग की ओर से और इस मंच पर उपस्थित सभी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद के लिए डॉक्टर पुष्पेंद्र जोशी जी से निवेदन करता हूं, वो दो शब्द कहें। जोशी जी, डॉक्टर साहब, कोई प्रश्नोत्तर या कोई चर्चा, तो दो एक कमेंट्स, क्योंकि हमारे साथ कई विद्वान जुड़े हाँ हुए जी, हैं। हाँ यदि कोई हाँ संभव हो, जैसे डॉक्टर सदानंद जी हैं, डॉक्टर और भी कई विद्वान लोग हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ, तो साउथ इंडिया से वो लोग जुड़े हुए हैं, तो अच्छा होगा यदि वो अपनी कोई टिप्पणी हमारे साथ साझा करें। तो मुझे लगता है कि वो उसमें कुछ ना कुछ नया उभर कर आएगा। हमारे साथ बिल्कुल कोई सर, अगर कोई ऑब्जर्वेशन या कोई प्रश्न किसी भी प्रतिभागी का है, और भी हमारे साथ बहुत सारे जो जुड़े हुए हैं, जैसे बीच में मैं देख रहा था प्रोफेसर सरोज भूषण जी, हाँ किसको जी, हाँ, प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी, डॉक्टर सी के झा जी, तो कोई भी अपनी अगर कोई प्रतिक्रिया या कोई प्रश्न किसी माध्यम से है तो वो स्वागत है आपका इस जी, मंच आई थिंक पे। डॉक्टर सदानंद जी, मैं हाँ जी यस सदानंद जी, सर, पहले स्वागत अपने है। को इंटरव्यू कर दें। नमस्कार सर्वेश्याम, नमस्कार। 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 व्हाट आई वांटेड टू टेल इज दिस सेशन एंड दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ शब्द अर्थ एक्सेट्रा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ the disciplines which Mahamaheshwar Abhinava Gupta and his descendants and also Shishyagan, how they dealt with. It doesn't stop at Nadak or Nritta or aesthetics. It is going beyond that. I am from another discipline, that is psychology, psychiatry, cognitive science. And what I am impressed is we talk about psychotherapy counseling. Psychotherapy is after making a diagnosis, and counseling is for a prevention, not to make a diagnosis, to prevent the beginning points of beginning elements of any disease, so that the disease will not happen in the individual. There are two, these are the two varieties of psychic intervention. In that regard, when we are giving medicine, that medicine goes and reaches the brain and then starts functioning. Like that, in psychotherapy and counseling, the word which you are using, it is very important. And the word goes into the system, into the personality of the person, into the present state of mind of the person. And change happens in the personality in the long run. And what is the aim of counseling and psychotherapy? The aim of counseling or psychotherapy is personality change for the good, for a healthy living of the individual, for healthy adjustment with his surroundings and his work, activity, etc. So I got more points today to say that the word is powerful.
the word is, you can put it in this way or that way, and the way you put it across to the client, to the family who is undergoing psychotherapy or counseling, that is very important. Today I understood the importance in another perspective, which is coming from aesthetics, tantra, shastra, etc. Thank you very much. This is what I wanted to tell. Dhanyavaad, doctor. Doctor C.K. Jha, and then उसके बाद डॉक्टर आनंद गोरी है और उसके बाद प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी. सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए. हेलो सर. मैं वैसे तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर व्याख्यान मिला है. मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आचार्य अभिनव गुप्त जी के 50 से ज्यादा रचनाएं हैं, और उन सभी रचनाओं को अगर हम विभक्त कर सकें तो 3 काल में हम उनको, इन रचनाओं को देखते हैं. जैसे एक है प्रारंभिक, जो है तांत्रिक काल है, और द्वितीय जो है अलंकारिक काल है, और तृतीय जो है वो दार्शनिक काल है. एक तो दार्शनिक काल जो भी है. हेलो. हाँ जी, हाँ जी, आ रही है. हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी, अब आ रही है. हाँ हाँ, आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है. दार्शनिक काल की जो उनकी रचनाएं हैं, जैसे गीतार्थ संग्रह, परमार्थ सार, ईश्वर प्रतिज्ञा विमर्शनी इत्यादि जो रचनाएं हैं, वो लगता है कि सबसे ज्यादा जो है ना प्रौढ़ और दार्शनिक क्षेत्र के लिए एक विलक्षण चीजें वहां दिखाई देती है. जैसे वहीं पे प्रतिज्ञा आदि की चर्चा है, और डॉक्टर साहब तो बहुत सारी बातें किए हैं उन्होंने इन अपने संदर्भों में. मैं ऐड करना चाहूंगा कि वहां एक ज्ञानम प्रधानम न तो कर्महीनम, कर्म प्रधानम न तो ज्ञानहीनम. ये जो कर्म ज्ञान का जो साथ जो है वो अपने आप में वैज्ञानिक है और आज के संदर्भ में प्रासंगिक भी है. जब तक कर्म और ज्ञान का बैलेंस, संतुलन नहीं हो, तब तक हम जीवन में कहीं कुछ नहीं कर पाते हैं. तो ये जो सिद्धांत है ज्ञान कर्म समुच्चय का सिद्धांत, ये मुझे बड़ा ही अलौकिक, और इसको हम साइंटिफिक दृष्टि से भी देखें तो समसामयिक लगता है. तो इस दृष्टि से भी मैं उनको ही रूप में सभीों के साथ मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार. प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी, मैम आपसे निवेदन है कि कुछ दिशा निर्देश आपकी ओर से हमें मिले. प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी, मैडम आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी, जी जी. मैं सतीश जी का व्याख्यान नहीं सुन पाई, मेरी कनेक्टिविटी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन मैं अभिनव गुप्त मैं समझ पाई हूँ कि आपने शब्द और अर्थ पे बात की है. तो शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो तो बहुत व्याकरण शास्त्रियों ने भी बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन अभिनव गुप्त जी की दृष्टि से मतलब एक दो बातें जो उन्होंने मंत्र के साथ कही है. तदेव च पदम मंत्र, कोई भी पद मंत्र बनने की क्षमता रखता है, और सर्वे मंत्रा वर्णात्मका उन्होंने कहा है. तो कोई भी पद जो हमारी चिन्मय शक्ति से जुड़ जाए, मतलब गुरु के द्वारा प्रदान किया, गुरु की चिन्मय शक्ति से जुड़ा हुआ है और वह हमें प्रदान कर रहे हैं, तो वो तो स्वतः सिद्ध है ही. और किसी भी तरह से मतलब शब्दों की क्षमता के बारे में, जैसे साइकोलॉजिकल उसके बारे में भी आपने कहा, तो शब्दों की क्षमता तभी वृद्धि होती है, या हम अपनी चिन्मय शक्ति से, अपनी साइकोलॉजिकल शक्ति से उस क्षमता को बढ़ा सकते हैं, एकाग्रता के द्वारा बढ़ा सकते हैं. ये मुझे लगता है कि ये एक अभिनव गुप्त जी का विशेष योगदान भी माना जाता है. बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा यदि किसी और की कोई टिप्पणी हो, कोई जिज्ञासा हो तो कृपया आपने बात कहें। मैं हसनप्रीत सर जी, सर प्रणाम सबको। मैं सर प्रोफेसर सतीश आपसे एक बात करना चाहता था कि जैसे आपने आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आपकी नहीं आ रही है। नेक्स्ट हुए थे जी। प्रणाम, अब आ रही है जी आवाज? हाँ जी, हाँ क्लियर है जी। मैं से पूछना चाहता था। हाँ जी बोलिए, आ रही है आवाज जी। के जैसे आपने पिच के संदर्भ में कहा कि शब्दों का जो अर्थ है वो पिच के साथ की जो हमने सोच के वो जो साइकोलॉजिकल पीछे चल रहा है हमारे कोई भी शब्द बोलते हुए तो उसका भी काफी प्रभाव होता है। तो ऐसे ही अगर हम लिखे हुए शब्दों को, लिखित शब्दावली को अगर देखें तो उस पे ऐसा कोई प्रभाव होता है या उसका पढ़ने वाले पे कि जो कुछ भी अगर हमने सोच के कोई साइकोलॉजिकली कि कुछ भी चल रहा हो मन में और अलग अलग तरह से अगर सेम पद लिखा जाए तो उसके पढ़ने पे क्या प्रभाव हो सकता है? जी, मैं आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न और कहा जाए तो अभीष्ट प्रश्न है ये, क्योंकि बोलते वक्त तो जब हम बोलते हैं कोई सुनने वाला है तो सीधे सीधे मतलब मैं इसको चर्चा फिर से करना चाहूँ। जैसे अन्विता और अभिता, अभितान्वयवाद जो है वो कोई वाद विवाद का विषय तो नहीं है। मैं आपके प्रश्न के ही संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ। अन्वित अभिधान और अभिहित अन्वय को सीधा सीधा आजकल के हिसाब से आप देख सकते हैं आउटपुट एंड इनपुट मेथड। आपका प्रश्न है कि बोलते वक्त तो चलिए हमें स्केल पिच और स्वर का सब आदान प्रदान ध्यान दे रहा, किंतु लिखते वक्त की हमारी, मैं अभी जो तुरंत, वैसे तो कई इसके भेद बन सकते हैं किंतु मैं अभी सामान्य चर्चा के लिए और आपकी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, एक तो है सामान्य स्तर पर जो लिखा रहता है। सामान्य स्तर का रखने का मतलब कि बिल्कुल एक बेस पे जो हम लिख रहे हैं, जो एक जस्ट इंफॉर्मेशन देना या एक मैसेज कन्वे करना होता है। किंतु दूसरा, जिस अभिप्राय से आपने प्रश्न किया है, जो आपकी जिज्ञासा है, मैं उसकी ओर अब जाना चाहूंगा कि जब लिखते वक्त हमारे अंदर पूरी की पूरी एक कंसंट्रेशन बनी हुई है, किसी एक ही विषय पर अटक गए हैं। मैं सबसे सुंदर थोड़ा सा विनोद प्रियता उदाहरण दूंगा, जैसे कि किसी का प्रेम पत्र लिखना। मैं प्रेम का मतलब श्रृंगार को रसराज कहा गया है, इसीलिए मैंने इसका उदाहरण दिया। अगर आप किसी को गुस्से से भरा पत्र अगर लिख रहे हैं तो उसके केवल भाव तो उसमें जाएगा ही, किंतु उस आप देखेंगे कि आपकी लिखने की शैली, आपके बोलने की और लिखने की शैली में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है ना, स्वयं गुस्से होने पर अगर आप लिखते हैं तो किसी थर्ड पर्सन को या बाद में आप पढ़कर देखें, आपको स्वयं बड़ी हैरानी हो जाएगी कि शब्द कैसे इतने इतने बदल गए। उन्हीं भावों को अगर आपने बड़े प्रेम से लिखा है तो शब्द बदल जाएंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, मैंने अभी अभी जो बात कही थी कि हमारे जम जम मंत्रों को, किसी वाक्य को जब पढ़ रहे होते हैं तो हम जरा सोच कर देखें कि आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने, महान आचार्यों ने केवल ऐसे नहीं लिख दिया गया होगा, पता नहीं कितना सालों का, कितनी गजब की उनकी तपस्या रही होगी। उसके बाद उन्होंने चिंतन को कंसंट्रेट किया होगा, उस कंसंट्रेशन के बाद परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, अव्यक्त से व्यक्त तक वाणी के स्वरूप में गुजरने के बाद उन्होंने जब उसको लिखा होगा, तो ये तो उच्च स्थिति हो गई। तो सामान्य आपके जिज्ञासा का केवल यही है कि सामान्य रूप से लिखना हुआ वो तो पढ़ने वाले पर डिपेंड करता है, क्योंकि केवल लिखने वाले पर नहीं, इसलिए हमारे वक्ता, बोधा, प्रसंग, काल, देश इत्यादि का बहुत महत्व है। केवल साहित्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बार बार इसलिए कह रहा हूं कि केवल उदाहरण वहां से उठाना है, किंतु हम नदी कहीं से भी चले उसका प्रवाह नहीं रुकना चाहिए, समुद्र की ओर तो जरूर पहुंचती है। तो केवल लिखने में केवल दो ही है, एक तो सामान्य स्थिति से हम लिखते हैं वो एक प्रभाव सामान्य ही छोड़ती है,
किंतु जब हम किसी विशेष भाव को पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर लिखते हैं, उस पर केंद्रित हो गए और हमारा जज्बा उसी के ऊपर पूरी तरह से प्रवाहित हो रहा होगा, तो जो आप लिखेंगे वो लिखे हुए का एज इट इज असर पढ़ने वाले पर पड़ेगा। इसको आप चाहे साइकोलॉजिकली चेक कर लीजिए, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे अध्यात्मादि केंद्रों में, चाहे अपने अंतर मन की दृष्टि से आप देखें, और नहीं तो व्यावहारिक दृष्टि से इस प्रकार की कोई भी बात किसी को लिखित रूप में आप भेज कर देख लीजिए, उसका असर तुरंत नजर आ जाता है। ये शब्द जो अर्थ के एक मानचित्र होते हैं उसी के अंदर छिपी हुई एक वो ताकत है। मैं इतना इसके बारे में ही कहना चाहता हूँ, और मुझे लगता है आपको अपनी जिज्ञासा का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। डॉक्टर वीरेंद्र जी की अनुमति से एक जिज्ञासा मैं साझा करना चाहता हूँ, या शिवाजी पांडे अगर पहले कहना चाहते हैं। जी सर, मैं प्रणाम करता हूँ आपको, और मेरी एक जिज्ञासा है छोटी सी आपसे। और सर ऐसा है, जहाँ आपने गुणों की बात कही साहित्य में, गुण विरुद्ध गुण की, काव्य गुणों की, तो यहाँ उसके अभिव्यंजक वर्ण है। वर्णों का विधान सभी आचार्यों ने किया है कि यदि माधुर्य गुण है तो उसके अभिव्यंजक वर्ण ये होंगे। तो जो बात व्याकरण में पहले, या जो माहेश्वर सूत्र ले लीजिए, या जो नंदकेश्वर की कारिका है जिसमें सभी वर्णों के स्वरूप को दिया है उन्होंने, आकारो ब्रह्म रूप इत्यादि वो करके, तो उस बात को जो व्याकरण नहीं कह पाया उसी को कहने के लिए साहित्य शास्त्र की रचना हुई कह लीजिए, या इसको आगे बढ़ाया गया। या वही बात हम अभिताने बाद में भी लेते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने जैसे, दोनों में माइनर अंतर है, अभी अभितानवे बाद और अन्विता विधान बाद में, उसमें वो कहते हैं कि विशेष वपुह अपदार्थोपि वाक्यार्थ सम्मूल सती। उसके पहले वो समय आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसाद पूरा, तो उसमें उसमें भी जहां उसमें वर्णों के स्वरूप का अंतर उसमें भी दिखाई देता है। एक में कहते हैं कि भाई जहां पर ये शब्द है वो अन्वित ही उपस्थित होते हैं, उसमें अन्वय मानने की जरूरत ही नहीं है, वही है अन्विता विधान वाद। और अभी तानवे वाद में कहते हैं कि नहीं भाई, इसमें आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के बल से अन्वय की आवश्यकता है, अन्वय होती है तभी अर्थ बोध होगा। तो मेरा, मैं समझता हूं कि जहां पर जो काव्य गुण के प्रसंग में आपने कहा, तो वर्णों को गुणों के अंतर्गत इसीलिए रखा गया, मतलब तत्संबंधी गुणों में, जैसे माधुरी में उसको रखा गया, उसमें इसलिए रखा गया कि वो उसके अर्थ के और उसके नेचर के स्वरूप को प्रकाशित करें, है ना। और दूसरी बात, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था जो पहले प्रश्न पूछा सदानंद सर ने, है ना, वो दूसरे विषय के हैं, इसलिए उसमें यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, है ना। तो एक ये, हाँ जी, हाँ जी, बता। जी जी, हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, सभी शास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दर्शन का दर्शन भी हो सकता है, और साहित्य का दर्शन भी होता है, हो सकता है, और दर्शन का साहित्य भी हो सकता है, विज्ञान का भी साहित्य हो सकता है, और साहित्य का भी विज्ञान हो सकता है। तो जहां पर वो मनोविज्ञान और अन्य शास्त्रों की बात, तो उसमें एक मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल, जिसमें उसका उल्लेख उन्होंने आचार्य विशेश्वर की, यदि काव्य प्रकाश की टीका पढ़ेंगे तो उसमें बहुत विस्तार से उन्होंने दिया है कि ये जो रस के संदर्भ में उन्होंने दिया है कि जो यहाँ जो अर्थों की प्रवृत्ति है, मतलब रस को अभिव्यक्त होने में, वहां उसके सिद्धांत का विस्तार से चर्चा दिया है। तो इसीलिए मेरा ये कहने का मतलब वो है कि सभी शास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और शब्दों के बारे में मैं समझता हूँ, जहां पर शब्दों या वर्णों के बारे में, जो सतीश सर से मेरा प्रश्न है, क्या इससे अधिक भी कुछ है, जैसे गुण के संदर्भ में जो वहां बताया गया है, या अभितान्वे बाद में, या अन्विता विधान बाद में, इससे अधिक भी कुछ है क्या? ये मेरा निवेदन है, समय में अधिक के लिए इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। जी, मैं बहुत ही, ये मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे किसी व्याख्यान या वक्तव्य की जरूरत नहीं थी, ये प्रश्न ही इतने प्रिय आ रहे हैं मेरे पास। तो सबसे पहले जो आपने इसी जिज्ञासा में जो पहले कहा कि क्या व्याकरण में कुछ कुछ पक्ष रुक गया था या छूट गया था, तो मैं उसके बारे में सबसे पहले कहना चाहूंगा कि
जब माहेश्वर सूत्रों की बात चलते हैं तो देखिए वहां सबसे पहला शब्द आता है नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद घक्काम नव पंचवारम। मैं ये प्रसिद्ध श्लोक है, मैं डायरेक्ट अपनी बात पे आता हूं। एक एक शब्द को साहित्य की दृष्टि से जब एक एक शब्द को विशेषण का विशेष अभिप्राय निकलता है तो परिकर अलंकार होता है। वास्तव में देखा जाए तो संज्ञा शब्द भी विशेषण ही होते हैं अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए। चंद्रालोक आदि अन्य ग्रंथों में इसको परिकर अंकुर मान दिया जाता है। मैं अभी दोनों को एक ही टर्म में यूज करते हुए इस चर्चा को कहूंगा कि शब्दों का प्रयोग देखिए कि नृत्तावसाने, नृत्तावसाने नहीं भी कहते तो सूत्रों की चर्चा तो कर सकते थे। तो नृत्य का मतलब यहाँ नृत्य शब्द ना होकर नृत्य कहे गए हैं। तो नृत्य और नृत्य के दोनों में डिफरेंस देखिए, हमारे नाट्य आदि शास्त्रों में कहा गया पदार्थाभिनयो नृत्यम, किसी पदार्थ का अभिनय करते हुए जब आप डांस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड नृत्यम। और नृत्यम ताल लयाश्रितम, और जो नृत्य जो होता है वो ताल और लय के ऊपर आश्रित होता है। लय उसमें रहती है बीट्स एंड रिदम जो के ऊपर उस पर डिपेंड करता हुआ। तो इसीलिए सबसे पहले आप कंसंट्रेट कीजिए कि व्याकरण में हमें लगता है कि उन्होंने वहां तक छोड़ दिया, किंतु इसके अंदर से जो अभी गुत्थी सुलझने वाली है नृत्य अवसाने, अवसान का मतलब होता है कंसीक्वेंट नॉट द एंडिंग। यहां पर इस संदर्भ में नृत्तावसाने ताल और लय पर आश्रित, अब ताल पदार्था का अभिनय अभी नहीं आया है क्योंकि वो गुण की बात चल रही थी। इसके दूसरे नंबर पर मैं अलवित इत्यादि पे आता हूं। यहां पर देखिए नृत्य शब्द का ताल और लय, लय का मतलब है ताल काल क्रियामानम, संगीत रत्नाकर आदि शास्त्रों में कहा गया है काल की क्रिया का जो मीजरमेंट है दैट इज कॉल्ड ताल। और ताल शब्द की उत्पत्ति देखिए तंत्र के साथ कैसा सुंदर समन्वय कर रहे हैं संगीत आदि के ग्रंथ, संगीत दर्पण शांगर्व आदि पद्धति में कहते हैं कि शिव के तांडव का ता लिया और पार्वती के लास्य का ल लिया तो ताल शास्त्रम प्रवर्तते, तो ताल काल क्रिया मानम, इसीलिए भगवान शिव महाकाल हो गए। तो काल इसमें एक और सुंदर बात, बढ़िया बात जो मुझे कभी कभी बड़ी अचंभित करती है, एक जिसको कहते हैं ना, मैं अपनी एक फीलिंग को शेयर करना चाहूंगा सबसे, संगीत की गहरी बात ना करते हुए सामान्य सी, जैसे कि ताल चलती है ना, मान लीजिए कि आजकल सबसे ज्यादा है तो 16 बीट्स की ज्यादा चल रही है, तीन ताल मेरे ख्याल से प्राय करके सभी ने इसका नाम मात्र सुना होगा। तो 16 मात्रा में चार चार के सेक्शन दिए गए, धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन तिन ता धा धिन धिन धा, इसमें खाली न्यास ग्रह विग्रह यह सब मैं इसकी चर्चा भी नहीं कर रहा हूं। जब मैंने इसमें जो शारंगरवादी पद्धति में संगीत रत्नाकर में पढ़ा कि चारों के चारों युग भगवान की एक सम, चार युग के बाद भगवान महाकाल की एक सम मात्रा, सम मात्रा द फर्स्ट बीट ऑफ दैट जो ताल की पहली मात्रा वो सम कहलाती है, चार युग बीतने के बाद भगवान महाकाल जो है हमारे शिव भगवान की पहली मात्रा शुरू होती है। तो अब आप अंदाजा लगा जाइए कि योग की वो कौन सी अद्वितीय स्थिति होती होगी। तो नंबर एक मैं केवल इतना कहकर केवल इसको फिर वापिस संहार करते हुए कि नृत्तावसाने, मैं केवल इसी शब्द पे अभी कंसंट्रेट हूं, नृत्य के अवसान का मतलब समाप्ति नहीं है, मतलब कि जब उसका परिणत स्थिति आ गई, चरम स्थिति आ गई, जब उसका क्लाइमेक्स आया तो नृत्य, नृत्य ताल लय आश्रितम, लय का मतलब कंट्रोलिंग, जो टाइम को कंट्रोल करते हैं। तो इन दोनों से इतना सुंदर अभिप्राय नृत्यावसाने, फिर किसने, नटराज राजा भगवान शिव बोल सकते थे, रुद्र बोल सकते थे, महाभदेव बोल सकते थे, शंभु बोल सकते थे। नटराज राज कहने का मतलब नट भी नृत्य गात्र विक्षेप में आ गया, नृत्य नृत्यावसाने के साथ उसकी मैचिंग देखिए कितने सुंदर शब्दों में कह दी। नंबर टू इससे आगे नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, अब नव पंचवारम के बाद चतुर्दश कह सकते थे, आठ और छह कह सकते थे, सात और सात कह सकते थे, नव और पंचवारम को कहने का अभिप्राय अभी देखिए आप इसमें, ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नव पंचवारम में जब उन्होंने कहा तो अब देखिए अण हम उच्चारण इतना पढ़ने पढ़ाने की पद्धति की मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं, इसके अंतर्गत देखिए ढक्का बस्ती हुई आपको सुनाई देनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसे है, धकित 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 धिन धकित 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 धिन, ये इसी प्रकार के जैसे शब्दों का विनिवेश कर दिया जाता है। आप इधर उत्तर वाले संगीत पद्धति में चले जाएं, कर्नाटी पद्धति में चले जाएं, वहां पर जब पखावज का देख लीजिए, मृदंग का देख लीजिए, हमारे इधर तबले का, ढोलक का, डफ का, किसी का भी आप ताल देखें,
उसके अंतर्गत इन शब्दों के अंतर्गत आए, शब्दों के अंतर्गत आने में जब उन्होंने शब्दों का मेल जोल देखी है, कैसे कैसे उसके सेगमेंट बना के रखे, रिल रिक ए आउं, आई आउच हायावारक यमंग लन यमगणनम झभाय, सभी महाप्राण आ गए, जबगड दश ये तृतीय वर्ण आ गए हैं, सभी जस्तु इत्यादि में। तो इनके अंतर्गत ये तो व्याकरण का वो पक्ष है जिसको अभी प्राय करके हम श्लोक को पढ़ के आनंदित हो जाते हैं। नंबर टू, इन्हीं शब्दों के ऊपर मैंने अभी चर्चा भी की थी कि जब हम अनुस्वार लगाते हैं तो बिंदु नाद रूप में लगा देते हैं, मंत्र इत्यादि में प्रत्येक चर्चा चलती है, चाहे आप सप्तशती का पारायण कर जाए, चाहे किसी अन्य किसी महाजप में आप बैठेंगे तो प्रारंभ में इस प्रकार की चर्चा आती है, और जितने भी हमारे बीज मंत्र होते हैं अनुस्वार के ऊपर जो रहते हैं, और तो और मंत्र महोदधि मंत्र महारणम में आप देखिए, वहां स्वर्ण जो स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र के देखिए, वहां पर चतुर्थ वर्ण में र को लगाने के बाद आके झ्राम झ्रीम झ्रम करके आता है। आप इसको मंत्र की दृष्टि से जब नहीं भी सोचेंगे ना, तो अपने एकांत में बैठे बैठे 3-4 मिनट लगातार झ्रम 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 करके देख लीजिए, आपके अंदर विचित्र का आवेश उत्पन्न हो जाएगा, आप केवल गम 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 कर लीजिए, आपके अंदर स्निग्धता पैदा हो जाएगी, आप जिस भी व्यक्ति से बात करेंगे आपको उसके ऊपर प्रेम उमड़ पड़ेगा, आप कम 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 कहकर देख लीजिए, आप बिल्कुल सिद्धांती पुरुष की तरह बात करेंगे। ये मतलब ये 2-3 मैंने उदाहरण दिए, आप किसी भी वर्ण के ऊपर करेंगे, इसी प्रकार आप देखिए कि जब हमें उत्साह रौद्र को जगाना होता है, हनुमान जी के मंत्र में ह्रेंग श्रेंग श्रेंग इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये शब्द अपने आप में किसी मनोविज्ञान विज्ञान की भूमि की गहराई से बिल्कुल कम नहीं है। तो इसीलिए शास्त्र चाहे साहित्य का हो, चाहे व्याकरण का हो, चाहे व्युत्पत्ति का हो, चाहे एटिमोलॉजी इट माइट बी एपिस्टमोलॉजी, आप हम साइकोलॉजी कह लीजिए किसी में भी, और इसके अंतर्गत ये इतना तो ये चर्चा। नंबर टू, अन्वित अभिधान, ये तो अपदार्थोपी वपु जो है, इसके अतिरिक्त जो चर्चा जो मैंने को महसूस किया, अन्वित का मतलब सीधी सी बात है, मतलब ये एक ही बात के दो पक्ष हैं, जो केवल थोड़ी सी तक एक लीला चर्चा करने के लिए कह दी आचार्यों ने। अन्वित का मतलब होता है जब हम बोलने से पहले अपने अंदर बिखरे हुए शब्दों को अन्वित मैंने एक सीरियलाइज करते हैं, सीरियलाइज हो जाने का मतलब अन्वित है, और अन्वित का अभिधान करते हैं, दैट इज मतलब आउटपुट हो गया हमारा, और अभिहित तो मैंने जो सुनने वाला है उसकी दृष्टि से अभिहित तो मैंने जो हमने शब्द बोले वो उसके कान में पड़े, कान में जाने के बाद दिलो दिमाग में उसका पूरी प्रक्रिया हुई, दैट प्रोसीजर गोज टू, उसके बाद फिर वो बिखरे हुए शब्दों को उसने अपने आप से फिर से उसमें गूंथ लिया, तो वो गूंथ जाने का नाम होता है अभिहित का अन्वय हो जाना। बस इतना सा है, आचार्य ने वहां पर कह दिया कि हमें वहां पर अन्वय करना पड़ता है, इतना तो ये केवल लीला मात्र, कहते हैं ना कि वो पाणिनि को जब दिक्कत आती है कहते हैं जहां वेरा कंफ्यूजन, कहते हैं परिगणनम कर्तव्यम, फिर परिगणनम कर्तव्यम के बाद फिर कहते हैं गणपाठ में चले जाते हैं, गणपाठ में चले जाने पर कहते हैं आने वाली युग युगांतर में क्या होगा, तो कहते हैं आकृति गणोयम, आकृति गण, इतना साइंटिफिक शब्द दे दिया उन्होंने। तो व्याकरण की दृष्टि से भी मैं किन्ना तो किसी शास्त्र का मतलब कि निंदा स्तुति वाला तो प्रकरण ही नहीं उत्पन्न होता है, केवल अद्भुत और वाह वाह हर शास्त्र हर शब्द के प्रति कहने के अलावा। तो अन्विता विधानवाद की दृष्टि से आप देख लीजिए, चाहे व्याकरण के वर्णों की ओर देख लीजिए, चाहे मंत्रों की ओर देख लीजिए, तो हर पद हर वर्ण अपने आप में मंत्र बन जाता है, हर वर्ण को योग शास्त्र के अंतर्गत भी जो आसन बताए गए हैं, आसन के वक्त श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में एक एक वर्ण को बिंदु रूप में अगर आप उच्चारण करेंगे तो उसका सीधा सीधा प्रभाव वाला चार्ट भी आप अपने सामने रख के दे सकते हैं। मतलब सेल्फ प्रोग्रामिंग की बात मैंने अपने वक्तव्य के स्टार्टिंग में की थी, हम जब जैसा बनना चाहते हैं उसी वर्ण का सहारा लेकर हम उसकी आवृत्ति करते हुए, आवृत्ति का मतलब जिसको जप बोलते हैं उसको आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उसका आवेश बढ़ेगा। आप इस आवेश को साक्षात 3 मिनट तक किसी भी शब्द को बार 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 उच्चारण करते जाइए, आपको अपने दिलो दिमाग में एक अपने आप ही महसूस होना शुरू हो जाएगा कि कोई चीज मेरे अंदर आविष्ट हो रही है। तो मुझे ये इस प्रकार का मेरी ये चर्चा विचार की ओर आने के लिए मैं आपकी जिज्ञासा का बड़े मुझे लगता है कि अंतिम टिप्पणी हम ले लेते हैं। प्रोफेसर आशा मौदगिल जी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी चंडीगढ़ से। मैम आपने कुछ कहना है, आपने हाथ उठाया हुआ है, प्रोफेसर आशा मौदगिल जी। प्रोफेसर आशा जी, नहीं मुझे लगता है वो जी। वीरेंद्र जी प्लीज।
एक मिनट सर, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात कीजिए। मेरे तो डॉक्टर साहब थोड़े सा इतनी ही बात थी जानने की मेरी इच्छा कि इस तरह के जब हम वेबिनार सेमिनार्स करते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक लक्ष्य ये होता है कि अपनी, जैसे कि शुरू में भी मैंने कहा था कि हम लोगों की एक खास तरह की कंडीशनिंग हो चुकी हुई है, एक खास तरह के व्यवहार में रह रहे हैं जो एक तरफ से जो है कॉन्स्टिट्यूशन से नियंत्रित है और दूसरी तरफ जो है वो जो आपका ट्रेड और इंडस्ट्री से। अब इसके बीच में हम संस्कृत के लोग कैसे अपने को, अपनी शब्दावली को, अपनी परिभाषाओं को कैसे सुस्थापित और सुप्रतिष्ठित करें जिससे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की शब्दावली है उसको हम सार्थक शब्द दें, मर्यादित करें, ये और जो दी जा रही इंडस्ट्री के द्वारा है उन शब्दावली को कैसे मर्यादित करें। जैसे उदाहरण के रूप में अभी पीछे भी हमने बात की थी पिछले सेमिनार में, स्वतंत्रता शब्द है क्योंकि ये सारभूत है संस्कृत साहित्य का भी, कश्मीर शैव दर्शन का विशेष रूप से। अब यही स्वतंत्रता आप कॉन्स्टिट्यूशन में आपको गारंटीड है और यही स्वतंत्रता आपको इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी प्रदान करती है अपनी शक्ति के द्वारा। अब इसके बीच में अभिनव गुप्त की स्वतंत्रता को के द्वारा हम इन दोनों पक्षों को नियंत्रित करना चाहते हैं, अन्यथा जो समाज में विकृतियां हम स्वतंत्रता के नाम पे देख रहे हैं उसको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के विचार को ध्यान में रखते हुए आपका क्या सुझाव है, नंबर एक। नंबर दो, जब हम साहित्य शास्त्र की बात करते हैं तो मेरी एक बड़ी विशेष जिज्ञासा है और उसके लिए मैं एक प्रयास भी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे NEP लागू हो रहा है, नए सिलेबस बन रहे हैं, तो ये जो साहित्य शास्त्र है इसकी कहीं पर कोई एप्लीकेशन आप लोग अपने विश्वविद्यालय में सिखाते हैं कि जिससे कि नया जो साहित्य आ रहा है उसका मूल्यांकन आप साहित्य शास्त्र के आधार पे करते हो, या नई मूवीज आ रही हैं, नया मीडिया आ रहा है उसका कोई मूल्यांकन आप लोग करते हो, तो ऐसा कोई योजना, ऐसा कोई कोर्स आप लोगों ने कोई आरंभ किया हो तो वो, बस बहुत संक्षेप में आपसे ये जान के उसके बाद डॉक्टर देवेंद्र। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है। जी सबसे पहले तो ये जो स्वतंत्रता आपने कहा कि किन किन संदर्भों में इसका प्रयोग किया जाए, तो बस इतना सही है कि समाज में जब मनचाहा प्रयोग करते हैं तो वो फ्रीडम का ही एक रास्ता खुल जाता है उनको, लोग फ्रीडम के तो रास्ते उधर खुल जाते हैं। और इधर जो देखा जाए इंडिपेंडेंस मतलब कि स्वत्व का जो बोध है उस बोध के बाद उसका आचरण हो जाना, ये स्वतंत्र के अर्थ में। तो ये तो व्यवहार और एक तो वही आते हैं कि एक मनोविज्ञान का एक बड़ा सुंदर सा एक स्टेटमेंट है कि आम लोगों को हम किस प्रकार से समझाएं, तो समझाना ही सबसे बड़ी मुश्किल बात हो, समझना इतना मुश्किल नहीं होता, कहते हैं कि समझता वही है जो समझना चाहता हो। तो स्वतंत्र के उस अर्थ में, और दूसरा जो आपका जो था, जो मैं एक बार थोड़ा सा आप निर्देश थोड़ा सा करें जो दूसरा आपकी जिज्ञासा थी। दूसरा मेरा ये जिज्ञासा है कि जैसे कुरुक्षेत्र में NEP लागू हो गया है संस्कृत के सिलेबस से, जो एप्लीकेशंस वगैरह की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने जो जितना आज तक ऑब्जर्व किया है संस्कृत में एप्लीकेशंस हैं, जैसे हमारे इस कैंपस में ही हमारे जो निदेशक जी हैं प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई, किंतु विशेष करके उन एप्लीकेशंस को उन्होंने क्या किया कि जो व्याख्यान इत्यादि हो गए या बुक्स वगैरह जो हो गई जैसे शब्दकल्प द्रुम या वाचस्पत्यम इत्यादि इन्हीं चीजों को, तो एक इस दृष्टि से, किंतु आपके प्रश्न का आशय मैं इससे कहीं और आगे का समझ पा रहा हूँ। एप्लीकेशंस का मतलब ऐसा नहीं कि पुस्तकों को PDF या किसी रूप में उपलब्ध करवा देना या वन क्लिक करते ही, उसका भी प्राय नहीं है, मतलब एक नई जिसमें अपनी चिंतन, जिसमें एक डिस्कशंस वगैरह या एक नया आयाम कोई मिले, यही प्रश्न सर। इसको एक पंक्ति में और स्पष्ट कर दूं कि जैसे मैं अपने विद्यार्थियों को आपने कोई साहित्य शास्त्र का कोई पक्ष भी पढ़ाया, अब उसको उसके आधार पर क्या वो कोई रिव्यू लिख सकता है या वो उसके कोई मीमांसा कर सकता है या वो कुछ नए मीडिया में जो नए नए आ रही हैं चीजें उनकी कोई व्याख्या कर सकता है, उनके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म लिख सकता है, आलोचनात्मक चिंतन कर सकता है, या वो केवल सिर्फ संस्कृत साहित्य का ही मूल्यांकन करके और उसके नंबर लग जाए? तो हमें बहुत कुछ बदलना होगा, पढ़ाने के तरीके को बदलना होगा, अन्यथा जो है वो मुझे लगता है कि हम संस्कृत के साथ न्याय शायद ना करें। तो इस संदर्भ में था, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
बिल्कुल, और इस संदर्भ में भी हमने कहा कि एप्लीकेशन के रूप में तो नहीं, किंतु उसका अप्लाई किया है एक ब्लॉग, जो हमने मेरा स्वयं का ही ब्लॉग बनाया अपने विभाग की ओर से भी और मेरा पर्सनल भी है, उस पर कमेंट्स वगैरह जो विद्यार्थी प्रश्न उसी प्रकार का उसमें रखा जाता है या उसका जो विषय उसी प्रकार से दे देते हैं कि बच्चों की जैसे होता है ना, अध्यापक को मालूम होता है कि किस नस को दबाने से विद्यार्थी क्या बोलेगा, तो उस दृष्टि को रखते हुए उसमें ब्लॉग्स अभी बने हैं और भविष्य में एप्लीकेशन भी बनेंगे। और आपने ये चर्चा की है तो एप्लीकेशन का आइकन क्रिएट करने के लिए मैं आप ही को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ठीक है सर, डॉक्टर वीरेंद्र जी प्लीज। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सार्थक चर्चा रही और व्याख्यान उपरांत जो ऑब्जर्वेशन आई और जो प्रश्न मीमांसा हुई उससे प्रतीत होता है कि बड़ा सार्थक व्याख्यान रहा सभी के लिए। मेरे लिए तो बड़ा शब्द जो चर्चा डॉक्टर साहब ने की वो बहुत सुंदर रहा, और इसी तरह से आगे भी डॉक्टर साहब को हम बार बार मैं कहूँगा भी आपके आशीर्वाद हम लेते रहेंगे। तो और विशेष तौर पे आप जुड़े हमारे साथ इतने व्यस्त समय से के बावजूद भी मैं आपका आभारी हूँ, संस्कृत एवं पाली विभाग की तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और डॉक्टर आशुतोष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार, उन्होंने ये जो है सारी रूपरेखा उन्हीं की है। तो इसके साथ साथ शिवाजी और डॉक्टर सदानंद जी, डॉक्टर सी के झा जी, प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी, सरोज कौशल जी जुड़ी रही हमारे साथ, और पंजाब यूनिवर्सिटी फिलोसफी विभाग से जुड़े हैं मैडम उनका भी, और खासकर हमारे जो सहयोगी हिंदी विभाग से डॉक्टर नीतू कौशल जी, डॉक्टर रजनी जी, उन सभी का और जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, और डॉक्टर ओमनदीप जिन्होंने ये सारी जो तैयारी की उनका, और पूरे विभाग के सभी छात्रों का, सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आगे भी आप सभी इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहेंगे, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जो एक और सूचना, प्रमाण पत्र है वो शाम तक आपके जो है